आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। वाहन को किराए पर लेकर बाद में ड्राइवर के साथ मारपीट कर गाड़ी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। लूटकांड का तीसरा आरोपी अब तक फरार है। पकड़े गए आरोपियों से लूटी गई अर्टिगा गाड़ी और चालक का मोबाइल जब्त किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ थाने में अज्ञात आरोपियों द्वारा वाहन को किराए में लेकर चालक के साथ मारपीट कर वाहन लूटने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले में अज्ञात आरोपियों द्वारा घटना किए जाने की जानकारी मिलने के बाद एक विशेष टीम बनाकर जाँच शुरू की गई। पतासाजी के दौरान तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर तथा अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटना करने वालों को चिन्हांकित करने की योजना पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किया गया। इन्हीं विश्लेषणों के आधार पर प्रमुख आरोपी मोहम्मद अकरम के बारे में सूचना मिली, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपी की निशानदेही पर एक और आरोपी मोहम्मद शकील को भी पकड़ लिया गया। आरोपियों से लूटी गई अर्टिगा गाड़ी और चालक का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। लूटकांड का एक अन्य आरोपी कमल पटेल अब तक फरार है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने वाली टीम को नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। राजगामर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। 394-201 जो लूट और संघातिक चोट पहुंचाने के मामले में एक अंतर्राज्यीय गैंग का, वाहन चोरों के गैंग का खुलासा आज हम लोगों ने किया है। एक घटना यहाँ हुई थी 14 तारीख को, एक जो किराए पे देने वाला जो एक गाड़ी है उसको लेकर के कुछ व्यक्ति किराए पे लेके गए थे और उसको उन्होंने रास्ते में ड्राइवर को नशीली टैबलेट खिला करके गाड़ी और मोबाइल लूट करके चले गए थे। इसमें दो आरोपियों को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया, एक मोहम्मद अकरम, एक मोहम्मद शकील है, जो दोनों कोतमा अनूपपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने कई राज्यों में घटनाएं ऐसी की हैं, प्रमुखता से दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई सारी घटनाएं इन्होंने की है। इसमें एक व्यक्ति जो है वो GRP कटने का हिस्ट्री शीटर भी है और पहले 2 साल जेल में भी रह चुका है। इसमें एक तीसरा व्यक्ति भी है, कमल पटेल, जो इसमें फरार है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें आज हम लोग खुलासा कर रहे हैं, तीनों आरोपियों को जेल दाखिल किया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।